प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ शुद्ध मन में अज्ञानता रहती है क्या? माँ जहां मन है वहां अज्ञानता रहेगी। मन माने मानना, भगवत क्रिया में मानो या जगत में मानो। प्रश्न, माँ शुद्ध मन में भगवत चिंतन रहता है तब भी अज्ञानता कैसे रहेगी? माँ भगवत चिंतन बिना और कोई चिंतन नहीं है, पर चिंतन जो है। प्रश्न करता, माँ भगवान के सचमुच दर्शन होते हैं कि कोई कल्पना ही है? माँ पहले तुम कल्पना करते हो, बगीचा बनाना है, पहले कल्पना में लाए, पीछे बगीचा बना लिया, कल्पित कर लिया, पीछे साक्षात स्वप्न में देवी देवता का दर्शन करता है। उसी दृष्टि से सब भगवान ही है। फिर दर्शन और अदर्शन से पार जाना है। हरि और जगत तो एक ही है। जिस दर्शन से दर्शन अदर्शन का प्रश्न ही ना आवे, वही असली दर्शन है। प्रश्न, मां निद्रा में कभी नाम पुकार के कोई जगाता है? उठ के देखते हैं कोई नहीं है। मां अदृश्य रूप में वह जगाता है, ख्याल करो। प्रश्न करता, मां क्या ब्रह्माकार वृत्ति में अज्ञान रहता है? मां वृत्ति में रहता है, स्थिति में नहीं रहता। जब तक वृत्ति है तब तक अज्ञान रहता है। जहां एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वहां की बात और है। प्रश्न, मां अज्ञान से जागना कैसे होता है? मां गुरु का उपदेश पालन करके चले तो होता है, भगवान की कृपा से होता है। प्रश्न, मां स्थिति क्या है? मां स्थिति क्या है? तुम ही हो, वही है। प्रश्न करता, मां यह मंत्र तुम ही हो, अच्छा है। मां झूठ क्यों बोलें? जो है वही है। वृत्ति जब तक है तब तक अज्ञान है। प्रश्न, माँ एक मेम साहब प्रश्न पूछ रही हैं कि आश्रम के पास सड़क पर एक बीमार कुत्ते का शरीर खराब हो गया है, लकवा हो गया है। विलायत में तो ऐसे कुत्ते को गोली मार देते हैं, यहां तो कोई कुछ करता नहीं। कुत्ता बड़े दुख में है, इसको मारकर शांति देना अच्छा है या ऐसे ही दुख में रहने देना ठीक है? माँ शांति तो भगवान उसको जब देंगे तब मिलेगी। उसके लिए भगवान ने इस ढंग का इंतजाम रख दिया है। जो कर्म कर रखा है उसका फल तो जरूर मिलता ही है। इस देश में यह बात होती है कि कर्म का भोग करके कर्मों का क्षय करें। इस देश में ऐसे कुत्ते को गोली मारने वाले को पाप लगता है। जब उसका समय होगा तब देहांत होगा। तुम उसकी सेवा करो, खाना दो, रहने का इंतजाम करो। जो सेवा कर सके उसको लाभ है, जीव सेवा है। भगवान के यहां प्रत्येक कर्म का चुन चुन के विचार होता है। प्रश्न, मां मेरा प्रश्न नहीं है, आपके निकट निवेदन है। जीवन के प्रतिपद में मिथ्या और अन्याय के साथ समझौता करके मनुष्य स्वाभाविक धर्म कैसे बचा सकता है? समाज और राष्ट्र में हम लोग एक ऐसी अवस्था में आ पड़े हैं जहां इच्छा ना होने पर भी प्रतिदिन हमें संसार करने में प्रत्येक को ही समान समझौता करके चलना पड़ता है। यद्यपि वह जानता है कि ऐसे उसके धर्म की रक्षा नहीं हुई। प्रत्येक मनुष्य को आज यह वेदना है। मां यह वेदना रहनी ही चाहिए। जहां वेदना है वहां सत्य ही आकर सत्य की रक्षा करेगा। प्रश्न, मां मैं केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी ही बात कर रहा हूं। मां वेदना यदि विराट हो तो उसका प्रकाश भी वैसा ही होगा। प्रश्न करता, मां आत्मविलोप क्या अपने को मिटा देना है, अहम बोध को नष्ट करना है, आम मुख्तियारी मां को दे देना? मां देने का बोध रहने से मिटा नहीं, मिटना अपने आप हो जाता है। अपने को नहीं मिटाना, अपनी वासना को, अहम को मिटाना है।
मनोराज्य के रहते मिटना होता नहीं, मिटा जाता नहीं, मन में विचार चलता रहता है। सदिच्छा जागृत होने की चेष्टा हो सकती है, मन के अतीत जाने पर मिटता है। मन के परंतु अनंत स्तर हैं, किसी स्तर पर जाकर उसके पुनः उदय होने की संभावना रहती है। फिर मन भी वे ही हैं, किसको हटाएगा, किसको मिटाएगा। मन के राज्य में करने की दिशा और मन के ऊपर होने की दिशा, मिटाएगा किसको, कौन किसको मिटाएगा। मिटाना नहीं पाना, उनको पाना। जब तक वे प्रकट ना हो तब तक मिटाने की चेष्टा। मिटाना माने छोड़ते जाना, नेतिवाद, अनित्य को, विनाशशील को छोड़ते जाना। मन के अतीत राज्य में तुम सब रूपों में हो, क्या नित्य क्या अनित्य सब वे ही। मन के राज्य में मानकर चलना होता है, अपेक्षिक सुख निरपेक्ष सुख नहीं। जहां अपेक्षिक सुख है वहां दुख भी पास ही पास रहता है। निरपेक्ष सुख ही ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद क्या है, तुम ही, एक तरह से तुम ही, तुम ही, और एक तरह से जो तुम हो वही मैं हूं। जो कुछ मन में आए पूछ डालो, उससे वे प्रकाशित होंगे, तुम रूप से, आत्मा रूप से। पहले मन लेकर चलना पड़ता है अमन होने के लिए, आत्मन होने के लिए, बोध के लिए। प्रश्न, मां भक्ति और ज्ञान जब एक ही हैं तो क्या फिर फल में भेद है। मां, एक ही हैं तब फल भी एक ही होना चाहिए। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि ज्ञान भक्ति एक ही हैं, फल भी एक है। मां ने प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किया, साधन से भगवान मिलता है क्या। प्रश्नकर्ता, सगुण भगवान साधन से मिल जाएगा। मां, तो फिर भगवान तुम्हारी साधना के वश में है। तुमने जो कहा सगुण भगवान साधना से मिल जाएगा वह ठीक है, लेकिन किसी किसी का मत है कि हमारी साधना से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिल सकते हैं सिर्फ भगवत कृपा से, भगवान की दया से। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।